पीपी गाड़ी आ रही है सब हट जाओ। तो गाइस आज लेके आए हम एक और नई गाड़ी जो है क्लाइंबिंग क्रॉस कंट्री। बहुत ही प्यारी गाड़ी लग रही है और काफी हैवी गाड़ी लग रही है दिखने में। ये क्या ये उतनी हैवी गाड़ी होगी? इसके अंदर देखो दो सेल डलते हैं, हमारे रिमोट में डलेंगे दो सेल और एक जो है जो बैटरी डलती है नॉर्मल वाली बैटरी, तो वो इसमें डलने वाली है। और इसके पीछे भी देखिए स्प्रे आता है, स्प्रे तो आजकल सब जगह आने लग गया है। और इसकी लाइट एक नीचे की तरफ आ रही है, बस ये कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे शॉकर भी लगे हुए हैं, बाकी हमें खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वो हो अभी तक की सबसे बेस्ट पैकिंग मुझे लगी है, जो पैक सही से आई है अमेजोन से जो मैंने मंगवाया है उसके अंदर। ये परफेक्ट तरीके से देखो बिल्कुल नई लग रही है गाड़ी। और यहाँ पे देखिए एक तीर, ये पूरा अच्छी तरीके से पैक्ड मिला है चीज़। यहाँ पे मिली है हमें एक वायर चार्जिंग केबल जो है, एक हमें मिली है बैटरी जो हमें चार्ज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे दो सेल भी मिले हैं, सेल भले ही जो है पैनासोनिक के हैं, ज़्यादा चलेंगे नहीं, बट यार अच्छा लगा देख के कि सेल भी इन्होंने साथ में दिए हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे गाड़ी मिली है जो काफ़ी हैवी दिख रही है देखने में, तो बाकी हमें खोलने के बाद ही पता चलेगी। इसको मैं खोलता हूँ। ओ माय गॉड, पहले तो इसका देख सकते हैं आप रिमोट कितना बढ़िया है। ये एक एंटीना दे रखा है यहाँ पे, एक ये घुमाने के लिए इधर से उधर आगे पीछे, और ये यहाँ पे इधर से चलेगा। और यहाँ पे एक बटन ये है और एक बटन ये है। बहुत ही अच्छा रिमोट लग रहा है, काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। ऐसे लग रहा है बचपन में जो बेबलेट आता था ना खींचते थे, सेम वैसे उसका शूटर टाइप लग रहा है ये। और यहाँ पे हमारी है गाड़ी, गाड़ी ये देख सकते हैं आप, गाड़ी काफ़ी हैवी लग रही थी, इतनी हैवी है नहीं, जो हमारी एट व्हील वाली गाड़ी थी वो ज़्यादा हैवी थी। बट ये देखिए शॉकर देखिए इसके, क्या कमाल के लग रहे हैं। और ये गाड़ी क्लाइंब भी करती है यार, अपने ऊपर भी जाती है, शायद इसकी स्पीड अच्छी हो सकती है। तो इसको अंदर फटाफट से सेल वगैरह डालते हैं और उसके बाद हम आपको ये दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे ड्राइवर भी बैठा हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे ड्राइवर के साथ में भी कोई बंदा बैठा दिख रहा है। और इसके पीछे का आप देख सकते हैं यहाँ पे लगेंगे सेल, तो इसकी हम इसको पहले खोल देते हैं। यहाँ पे ये इस तरीके की बैटरी जो हमें मिली हुई है साथ में 3.7 वाट की ये बैटरी है, इसको हम लगाते हैं यहाँ पर। ओहो हो, यहाँ पे भी डिस्को लाइट टाइप दे रखी है। मैंने बोला था ना नीचे की तरफ इधर कुछ लाइट वाला तो कुछ दिख रहा है मुझे, तो वो यही लाइट थी। ये पहले से चालू है यार, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए इधर एक ये दे रखा है टैंक, जहाँ पे हम पानी भरने वाले हैं, जिससे जो है पीछे की तरफ हमारा निकलेगा। तो इसके अंदर पानी हम भरेंगे। ओहो, इसका टैंक भी बहुत बड़ा है, आप इसके अंदर पानी अच्छा भर सकते हैं। लेकिन बाकी जो मैंने जितनी भी दोनों देखी थी ना, उसमें टैंक के अंदर पानी इतना आता नहीं था, लेकिन इसमें पानी जो है काफ़ी अच्छा भरा हुआ है। तो इसको हमने टैंक को बंद कर दिया है। अब हम इसमें सेल डालते हैं। यार ये कैसे खुलेगा, मेरे को अभी तक ये समझ नहीं आया कि यहाँ पर सेल कैसे डलेंगे। अच्छा शायद यहाँ डलेगा सेल इसका, तो इसको हम पहले खोल लेते हैं, उसके बाद इसमें हम सेल डालते हैं। आप जो है यहाँ पे कटर की जगह पे एक पेचकस इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अगर छोटे हैं तो आप अपने मम्मी से ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है दो सेल आने वाले हैं, अभी हम इस वाले सेल को नहीं खोल रहे हैं, हमारे जो पुराने सेल हैं हम वही इसमें डालने वाले हैं। ये इसको लगा देते हैं हम। भैया ये तो बहुत ही प्यारी गाड़ी लग रही है देखने में, तो बहुत ही बढ़िया। पहले तो देखो नीचे लाइट देखो, डिस्को लाइट जो आ रही है ना वो कमाल की लग रही है यहाँ पर। इसको मैंने ऑन करा, यार इतनी स्पीड नहीं दिख रही इसमें, क्या इसकी स्पीड बढ़ती है क्या इससे? नहीं, इससे आगे देखो, आगे के टायर देखो मूव कर रहे हैं, वो हमारे इस ये जो सर्कल दे रखा है वो इससे कर रहे हैं। और जो हमारा स्पीड जो है चलने वाला इधर से पीछे की तरफ, और इसको हम आगे करेंगे तो ये नहीं, सॉरी यार ये बंद क्यों हो गया, क्या इसकी बैटरी ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई? ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया गाइस, तो क्या हुआ? अच्छा सॉरी, नहीं 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 यार नहीं चल रहा यार ये गाइस, इसको हुआ क्या, इस कार को आखिर हुआ क्या है? शायद इसकी बैटरी वीक है, हम इसकी बैटरी को चार्ज करके आते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस हमने जो है इसकी जो है बैटरी को कर दी है पूरी फुल चार्ज, और अब देखो ये पीछे की तरफ कर रहे हैं तो इसका धुआं भी निकल रहा है और स्पीड भी इसकी बढ़ गई है, पहले चार्ज नहीं था ये। और ये देखिए इधर से आगे, इधर से पीछे करेंगे हम बटन को, पीछे करेंगे तो आगे भग रही है, पीछे करेंगे तो पीछे भग रही है। ओह क्या भग रही है यार, ये तो मजा आ गया देख के। और जो है इसके जो आगे के टायर्स हैं वो इससे घूमेंगे, देख सकते हैं आप। ये बटन किस लिए दे रखा है? अच्छा ये बटन जो है सिर्फ अगर ये खड़ी हुई है
तो इसका धुआं निकलवाने के लिए तो ये बटन दे रखा है। और इसके साइड में जो ये बटन है ये किसी काम का नहीं है, जस्ट फॉर अ शोपीस है। चलिए इसको ट्राई करते हैं एक बारी और दिखाते हैं आपको कैसा ये चल रहा है। गाइस पहले हम इसको नॉर्मल चला रहे हैं, देख सकते हैं। ओ भाई मतलब देखो कितनी जल्दी इसकी रपट खा रही है, मतलब स्पीड देख सकते हैं आप, देखो मतलब चल ही रहा होगा आपको। और ये घूमी, ओ और इसकी लाइट जो पीछे डिस्को लाइट जल रही है ना वो तो अलग ही लेवल की लग रही है इसकी। और बहुत ही बढ़िया यार, स्पीड वगैरह तो बहुत ही बढ़िया है। और एक बार इसको हम आप क्लाइंब करके देखेंगे कि कैसा ये क्लाइंब करके चल रहा है। तो गाइज यहाँ पे मैंने एक स्लोप बनाया है, थोड़ा जुगाड़ से बनाया है, यहाँ पे हमने लगाया है इसको और नीचे एक कुशन लगाया है क्योंकि बीच में जो था काफी ज्यादा ये था। और ये खड़ी है हमारी सुपर कार बेहतरीन वाली, तो स्टार्ट करते हैं 3 2 1। क्या ये वर्क करेगा? नहीं यार ये वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा सा हमें कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अगर हम इसको हम ऐसे रखें तो क्या ये वर्क करेगा? एक बार हम इसको करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, 3 2 1 गाइस। ओहो ये तो पलट गया क्योंकि नीचे का जो है ये अड़ रहा है ना। अब यहाँ से करते हैं इसको, हम ऐसे कर देते हैं जरा, थोड़ा सा हम इसको सपोर्ट देते हैं, ठीक है। ओह गाइस बढ़िया तो था, स्लोप पे चढ़ जाएगी ये गाड़ी। थोड़ा सा हम इसको और ऊपर करके देखते हैं, हम इसको थोड़ा सा हैंडमेड करना पड़ेगा। इसको मेरे को ऐसे पकड़ लेता हूँ मैं, देन इसको गाइस थोड़ा सेटअप सॉरी अपने पास है नहीं इस तरीके का। अब इसको हम थोड़ा सा करके देखते हैं क्या ये स्पीड से ऊपर जाएगा, देखने वाली बात है। 3 2 1 एंड गो। नहीं नहीं गाइस ये इतने स्लोप पे तो नहीं चढ़ पा रही है गाड़ी, ट्राई पूरी कर रही है लेकिन नहीं हो पा रहा है। देखिए वो स्पीड इसकी है नहीं, उतना मैटर ये कर नहीं रहा है। बट अगर हम इसको यहाँ से इसको नीचे स्लाइड करके देखते हैं कि क्या ये जाएगी। 3 2 1 एंड गो। ओ हो गाइस जो इसके स्प्रिंग लगे हैं ना, ये स्प्रिंग की वजह से ये है, गिर भी जा रही है ना तो ये बाउंस बैक कर रही है। देखो देखो मतलब ये इसकी स्प्रिंग जो है इससे जो है ये बाउंस बैक बहुत अच्छा कर रही है। एक बार दोबारा से आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। अरे भाई साहब क्या लास्ट में जो ये कूदी है, क्या उछाल मारी है इसने, दोबारा से दिखाऊंगा। टायर इतने मोटे मोटे कि इसको कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, बट ये उधर की तरफ जा रही है। थोड़ा सा मैं इसको इधर रखता हूँ और अब ट्राई करते हैं। 3 2 1 ओह ये वाला तो बहुत ही बढ़िया हुआ था, ये वाला बहुत बढ़िया हुआ था। ये गाड़ी उतनी हैवी तो है नहीं लेकिन बहुत अच्छी गाड़ी है ये। मैं तो बोलूँगा कि भाई ये गाड़ी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप लेना चाहते हैं तो। और ये गाड़ी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, इसका रेट लिखा है 1999, बट मेरे को ये पड़ी थी 1500 की समथिंग। तो आप इस गाड़ी को मंगवा सकते हैं, वर्थ इट है और पूरी न्यू गाड़ी आई है ये, तो आप इस गाड़ी को ले सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो करो लाइक शेयर कर दो, ऐसी वीडियो आपके और लाते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।